हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल और मैं अंकित स्वागत करता हूं आप सभी का फिर से एक नए वीडियो में। फ्रेंड्स, आज हम जानने वाले हैं एक डबल डोर फ्रिज के बारे में। एक डबल डोर फ्रिज लेने के बारे में अगर आप भी सोच रहे हैं तो ये वाला वीडियो आप ही के लिए होने वाला है। एक बहुत ही बेहतरीन डबल डोर फ्रिज और कम बजट में आपके लिए लेके आए हुए हैं, उसका पूरा स्पेसिफिकेशन पूरा डिटेल्स वीडियो होगा, उसके बारे में पूरे अच्छे से बताएंगे, तो वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। इससे पहले फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा और वीडियो आपको जरा सा भी अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करके अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये वाला मतलब जो डबल डोर के बारे में बताने वाला था, तो मैं सबसे पहले आपको बता दिखा दूं कि ये वाला जो डबल डोर है ना फ्रेंड्स, हमारा बोल्टास कंपनी का है, टाटा का प्रोडक्ट है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं बोल्टास बेको के नाम से आता है और एक बहुत ही बढ़िया बेहतरीन फ्रिज, जैसे कि आप देख पा रहे हैं डबल डोर का ये वाला प्रिंटेड है। और रेटिंग की बात कर लूं फ्रेंड्स, तो ये वाला 2 स्टार रेटिंग है जैसे कि आप देख पा रहे हैं। और कैपेसिटी की बात कर लूं तो आप जैसे कि देख पा रहे होंगे 228 लीटर्स में ये। और टाइप की मैं बात कर लूं तो सबसे बड़ी बात आप जैसे कि देख पा रहे हैं फ्रॉस्ट फ्री है, यानी कि इसके डीप फ्रीजर में यहाँ पे बर्फ नहीं बनेगा, ठीक है। तो इसके बारे में मैं बाद में बात करूंगा, पहले ऊपर एक्सटर्नल देख लेते हैं सारी चीज। आपको इस प्रिंट आपको देखने को प्रिंट मिलेगा, पॉकेट हैंडल देखने को यहाँ पे मिल जाएगा। उसके बाद से फ्रेंड्स, आपको यहाँ पे की डोर भी दिया हुआ है, की लॉक भी दिया हुआ है, यानी चाबी भी दिया हुआ है, ठीक है, लॉक। उसके बाद से आपको यहाँ पे QR कोड भी देखने को मिल जाएगा और मैं आपको ये फर्स्ट लुक एक बार दिखा देता हूँ। उसके बाद से हम बात करते हैं इसके इंटरनल की, तो आप देख सकते हैं जैसे इंटरनल स्टोरेज, जैसे मैं आपको दिखा दूं, सबसे पहले फर्स्ट ऊपर वाला डोर जब हम ओपन करते हैं डीप फ्रीजर का, तो फ्रेंड्स कुछ इस तरीके का स्लीक डिजाइन हमें देखने को यहाँ पे नीचे में मिल जाएंगे, बोतल गार्ड देखने को मिलेगा। उसके बाद से न्यू फ्रॉस्ट लिखा हुआ आप जैसे कि देख पा रहे हैं, मॉडल का नेम है, आपको यहाँ पे देखने को बहुत ही बेहतरीन डीप फ्रीजर देखने को मिल जाएगा। उसके बाद से फ्रेंड्स, मैं बात कर लूँ फाइनली अपने इस वाले डोर को खोल के ओपन दिखा देता हूँ। यहाँ पे आप जैसे कि देख पा रहे हैं इतना टेक्नोलॉजी इसमें यूज किया गया ना फ्रेंड्स, टाटा की तरफ से बहुत ही बढ़िया टेक्नोलॉजी यूज किया गया और बहुत ही बढ़िया फ्रिज है। आप जैसे कि देख पा रहे हैं फर्स्ट लुक में ही आपको अच्छा लग रहा होगा, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, ठीक है। और मैं डोर में भी दिखा दूं, यहाँ पे भी आपको बोतल गार्ड देखने को मिल जाता है, नीचे में भी आपको फ्लैगशिप देखने को मिलेगा और यहाँ पे भी बोतल गार्ड देखने को मिल जाएगा, यानी 4x2 यानी 2-2 लीटर के 4 बोतल आप इसमें रख सकते हैं, इसको एडजस्ट कर सकते हैं, एडजस्टेबल है, ठीक है फ्रेंड्स। और नीचे मैं आपको दिखा दूं कि आपको यहाँ पे वेजिटेबल बॉक्स मिलेगा और डोर ट्रे देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। उसके बाद से मैं सबसे पहले जो सबसे बढ़िया वाली चीज की मैं बात कर लूं फ्रेंड्स, तो वो है हमारा कि इसमें आप जैसे कि देख, तो जैसे कि मैं आपको बता रहा था कि यहाँ पे आप जैसे कि देख पा रहे हैं, यहाँ पे एक ऑप्शन आपको सबसे लास्ट में देखने को मिल जाएगा, यहाँ पे दिखा हुआ है सेंसिटिव कूल, यानी कि ये जो फीचर्स लगा हुआ है ना फ्रेंड्स, ये बहुत ही बेहतरीन फीचर्स है, सारे फ्रिज में नहीं आता है, ठीक है। यानी कि एक बहुत ही बढ़िया टेक्नोलॉजी यूज की है कि पूरे फ्रिज को आपको इंस्टेंट कूल्ड कर देगा, यानी डीप फ्रीजर बना देगा, पूरा कन्वर्ट कर सकते हैं आप इसको। और मैं डिफ्रॉस्ट की बात कर लूँ, जो डिफ्रॉस्ट कंट्रोलर आता है ना, वो यहाँ पे आपको डिजिटल देखने को मिल जाएगा, यानी कि आप टच कर सकते हैं इसको, टच करके मतलब घटा बढ़ा सकते हैं, यानी कि आपको क्या करना है, घुमाना नहीं है, मैनुअली नहीं घुमाना है, हाथ से इसको केवल टच करना है, पूरा डिजिटली दिया हुआ है, ठीक है फ्रेंड्स। और आपको नीचे में यहाँ पे देखने को मिल जाएगा यूजर मैनुअल गाइड और वारंटी कार्ड वगैरह देखने को मिल जाएगा। और यहाँ पे वोल्टास की तरफ से एंड टाटा की तरफ से आप जैसे कि देख पा रहे हैं कि इसके मतलब जो भी मॉडल नंबर वगैरह सीरियल नंबर वगैरह आता है, वो सारी चीजें यहाँ पे लिखी हुई मिल जाती हैं। और मैं बात कर लूँ सबसे लास्ट में फ्रेंड्स, सबसे बढ़िया जो चीज़ है ना वो मैं आपको दिखाना भूल गया, वो ये है जैसे कि आप देख पा रहे हैं इतना बड़ा LED लाइट में देखने को इसमें मिलता है, तो सोचिए इस फ्रिज की जो लाइटिंग होगी कितनी अच्छी होगी फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ ये वाला वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और ये वाला फ्रिज आपको अच्छा लगा होगा। और बाद में बात कर लेते इसकी प्राइस की, तो फ्रेंड्स इसकी जो प्राइस होने वाली है वो मात्र 17,000 रुपये से और 19,000 रुपये के बीच में होने वाली है, तो जल्दी जल्दी से कमेंट करिए, ठीक है। ये वाला वीडियो पे आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए बस इतना ही, जय हिंद।